एलनाबाद का उपचुनाव आया, आप सब प्रत्यक्षदर्शी हो, आप सब ने देखा, सारे के सारे इकट्ठे होके चुनाव लड़ रहे थे। विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा एलनाबाद में गए और वहां जाके मंच के माध्यम से कहने लगे कि कांडा तो मेरा मित्र है। एक बार गौर से देखना, मैं तो कहूंगी चश्मा लगा के देखना अच्छे से। ये तीनों के तीनों आपको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नजर आएंगे, ये नेता नहीं रहे, एजेंट बन चुके हैं। एक बार किसी पार्टी का पटका पहन लेते हैं, जैसे इनके हाथ में कुर्सी आती है, दूसरे प्लान में दूसरी पार्टी का पटका पहन के आ जाते हैं। जिन नेताओं की विचारधारा 15 मिनट में बदल जाए, ऐसे नेताओं पे आप भरोसा मत कर लेना। आज आप लोगों के बीच लोकसभा के चुनाव हैं और सभी पार्टियां अपने अपने नुमाइंदों को आपके बीच में भेजने का काम करेंगी। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं, बाकी जो तीनों पार्टियों के नुमाइंदे आपके बीच में आए, मेरा आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, इनको आप एक बार गौर से देखना, मैं तो कहूंगी चश्मा लगा के देखना अच्छे से। ये तीनों के तीनों आपको भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नजर आएंगे, ये नेता नहीं रहे, एजेंट बन चुके हैं। एक बार किसी पार्टी का पटका पहन लेते हैं, जैसे इनके हाथ में कुर्सी आती है, दूसरे प्लान में दूसरी पार्टी का पटका पहन के आ जाते हैं। जिन नेताओं की विचारधारा 15 मिनट में बदल जाए, ऐसे नेताओं पे आप भरोसा मत कर लेना। आज हालात ऐसे पैदा कर दिए, मेरी माताएं बहनें महंगाई से रसोई का बोझ उठा उठा के थक गई, हमारे बालकों को नौकरी नहीं है, बूढ़े बुजुर्गों की फैमिली आईडी के नाम पे पेंशन काटी जा रही है, गरीब आदमी का राशन कार्ड काटा जा रहा है। कहते तो ये थे कि हम तो गरीबी दूर करेंगे, एक बार इनसे आप पूछना जीएसटी किस लिए लगाई, दूध पे, दही पे, लस्सी पे, पनीर पे, आटे पे, सब चीजों पे टैक्स लगा दिया। आपसे मैं कहना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ, ये नेता आपके बीच में आए, इनसे आप सवाल करना पूछना कि जिस समय किसान का मेरा वर्ग 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलनरत था और पुकार पुकार के एक बात कह रहा था कि आज अगर कोई एमएलए एमपी हमारे साथ खड़ा होगा तो हमारे आंदोलन को ताकत मिलेगी, आप इनसे ये पूछना कि आज तुम्हारी विचारधारा जो बदल गई, उस समय क्यों नहीं बदली जब किसान को सबसे ज्यादा जरूरत थी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश एक बहुत छोटा सा स्टेट है, बहुत छोटा सा राज्य है, 10 लोकसभा की सीटें हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं, और आप सब ने पिछली बार हरियाणा प्रदेश ने पिछले प्लान में इंडियन नेशनल लोकदल को 90 में से केवल एक सीट दी थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज सारे आप गवाह हो, विधानसभा का सत्र आप देखते रहे, आप एक बात बताओ, वह एक सीट 89 पे भारी पड़ी कि नहीं पड़ी? हाथ खड़े करके बता दो, ताऊ जी मेरे जी को तसल्ली हो जाए, 89 पे एक सीट भारी पड़ी। पूरे हिंदुस्तान में 4200 से ज्यादा एमएलए एमपी आदरणीय अभय सिंह चौटाला ने एक सीट होते हुए, आप खुद सोचो, थारी थाली में एक रोटी हो और उस एक रोटी को दान करने का काम यदि किसी ने किया तो वह अभय सिंह चौटाला ने करके दिया। वह एक सीट कोई एमएलए एक एमएलए नहीं थे, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दांव पे लगाने का काम किया, कुछ भी हो सकता था। एलनाबाद का उपचुनाव आया, आप सब प्रत्यक्षदर्शी हो, आप सब ने देखा, सारे के सारे इकट्ठे होके चुनाव लड़ रहे थे,
विपक्ष की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह जी उड्डयनाबाद में गए और वहां जाके मंच के माध्यम से कहने लगे कि कांडा तो मेरा मित्र है। कही थी कि नहीं कही थी? आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप क्या कहते हो कि हम किसान हितैषी हैं? उस टाइम आप बीजेपी की बी टीम बन के काम करके आए हो, कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। मैं यहां खड़ी होकर अगर एक बात भी आपको झूठ कहूं तो आप मेरे बड़े बुजुर्ग को मुझे टोक देना। मैं केवल आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप किसी के खेत में मजदूरी करो और आपकी दिहाड़ी आपको ना मिले तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? अभय सिंह जी चौटाला की दिहाड़ी मांगने आई हूं, सड़क से लेके गांव की गलियों से लेके विधानसभा तक आपकी लड़ाई लड़ने का काम अभय सिंह चौटाला ने किया है। अभी मेरे ताऊ जी एक बात कह रहे थे कि बीजेपी में ना रड़ जाइयो। मैं एक बात कहना चाहती हूं, मैं जब नरवाना गई हुई थी तो एक मेरी ताई जी मिल गई। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी वो शुरू हो गई, कहने लगी थारा ही था, थारा ही परिवार का था, 5100 पेंशन को ना करी, छोरा ना रोकरी को ना दे। सबने एक बात खूब कहती रही। पार्टी के मेरे साथ मेरे भाई बन थे, वो चुप कराने लगे, बोले ताई चुप हो जा या वाह कोने। मैं बोली नहीं, इनका बोलने का अधिकार है, ये और किसको कहेंगी, मुझे अपना समझ रही है इसलिए कह रही हैं। मैंने कहा आप बोलो। वो सारा जब बोल के थक ली, मैंने कहा वो ताई जी आपके सारे ओड़ में मेरे सिर मत है, पर मैंने एक ओड़ में मेरा उठ ले। बोली बोल बेटी। मैं बोली हम तो चश्मा पकड़ के खड़े थे, थम चाबी दोरे क्यों गए? मैंने जब यह बात कही ताई जी एकदम मेरा मुंह देखने लग गई, बोली बेटी तू सच्ची है। मैं बोली ताई जी आज मैं एक किस्सा बताऊं, लेट तो बहुत हो रहे हैं, भाई साहब कहेंगे बहुत धूप है, लेकिन वो किस्सा याद आ गया, मैं जरूर बताऊंगी। एक बार एक गांव में चोरी होने लगी, एक बार एक गांव में चोरी होने लगी, रोज दूध देने वाले पशु चोरी होने गए, सारे गांव ने पंचायत बिठाई, सरपंच दौरे बिक गए, बोले सरपंच साहब गांव में गड़बड़ हो रही है, चोर बढ़ गए। सरपंच साहब बोले भी चलो थानेदार दौरे चला, सारे कट्ठे हो गए, थानेदार दौरे बिक गए, बोले थानेदार हमारे गांव का चोर पकड़ के दे। थानेदार बोले अभी 5-6 दिन का टाइम दे दो। 5-6 दिन भी बीत गए, चोर नहीं पकड़ा गया। फिर सारे कट्ठे हुए, सरपंच बोले भाई थानेदार तो फेल हो लिया। फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, बोले भाई बुझे दिखा लियो। सारे कट्ठे होके मौलवी दौरे बिक गए, मौलवी ने बोले हमारे गांव का चोर पकड़ दे। मौलवी ने बोले बोले मेरा बाएं हाथ का खेल है, बोले बता कुकर, बोले एक चादर ले लो और उसके पल्ले 4 मान साथी पकड़ा दो और सारे गांव की हाजिरी ला लो, एक एक करके उस चादर के नीचे तक भेजना शुरू कर दो और जुड़ सा चोर होगा ना वो चादर के नीचे आंधे मर जाएगा। सारे गांव की हाजिरी लग गई, पल्ले पकड़ लिए, सारा गांव एक एक करके जान लग गया, चोर तो फिर भी नहीं पकड़ा गया। सारे फिर बोले मौलवी तेरा टोटका भी फेल हो लिया। मौलवी बोले ना ये हो नहीं सकता, पहला नहीं बताओ पल्ले किसने पकड़े थे? जुड़ से पल्ले पकड़निए थे वही चोर थे। आज आप यह सोच लो तुमने भी पल्ले किसके हाथ में दे रखे हैं, जुड़ से पल्ले पकड़निए वे सारे चोर हैं और इन चोरों का एक ही मौलवी बचा है थारे दौरे अभय सिंह चौटाला। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। मैं सिर्फ इसलिए आपके बीच में इतनी लंबी चौड़ी बात की, मैंने आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को देखा है, उनके चेहरे पे आपको शिकन नजर नहीं आएगी, लेकिन दिल से उनको सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी बात का है
तो वो इस बात का है कि उनके कार्यकर्ता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, इसलिए उनको दर्द है। इसलिए 89 साल की उम्र में भी वो आज आप लोगों के बीच आते हैं, अभय सिंह चौटाला को एक ही बात कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता की भरपाई कर देना जब तू मेरा बेटा है, नहीं तो मेरे को मेरे पास मत आ जाना। ये बात वो कहते हैं, आज मैं इस मंच से आपको कह के जा रही हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप अपनी इस बेटी पे विश्वास करना, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, आपको नीचा नहीं देखने दूंगी, आपको पीठ नहीं दिखाऊंगी। इसार की बेटी हूँ ताऊ जी, झूठ नहीं बोलती, इसार से पढ़ी लिखी हूँ, आप सबसे वायदा करती हूँ। आपने आपने जो मान और सम्मान दिया और जो ये पगड़ी मुझे पहनाई है मान और सम्मान की, इस पगड़ी को कभी भी नीचे नहीं होने दूंगी, इस पगड़ी का मान और सम्मान बढ़ा के दूंगी। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।